शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा बताया गया वैसा कर और संभाल के किसी की जान न जाए। सब देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई कुंडा या मवाली हूं जो एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहा हूं, पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ घंटे पहले तक मैं ऐसा नहीं था। कुछ घंटे क्या, मैं ऐसा कभी था ही नहीं। है नकली है, अबे असली है, अमिताभ बच्चन है, 12,000 में बनवाया है। अबे गीता देख, हाथ में बटेर लग गई। मजे तो ले रहा है भाई। बेटा मेरे पास भी बाइक होती ना, ऐसे ही एक से एक खूबसूरत आइटम घुमाता। सही बोला, सच कह रहा है यार, ये छोटे शहर की सोच ही ऐसी है, इसलिए तरक्की नहीं होती यहाँ। ऑर्थोडॉक्स डॉक्स ऑर्थोडॉक्स। अबे हाँ, वही ऑर्थोडॉक्स। सविता भाभी का नया MMS आया है, वो देखते हैं। दिखाओ, अबे ओपन तो करने दे यार। अबे इसे क्या दिखा रहे हैं? क्यों मोहन तो मुंबई जाके लाइव करेगा। लकी बॉय यार, शक्ल अच्छी नहीं है, बातों अच्छी कर लो। अबे तेरे फायदे की बात कर रहा है, मुंबई जाके नाक मत कटा देना बनारस। अपने छिछोरे दोस्तों और भैया से मुंबई की कहानियां सुन सुन के मेरे दिमाग में मुंबई की एक अलग सी तस्वीर बन गई थी। वो तस्वीर सच थी या मेरा भ्रम, ये तो वहीं जाके पता चलता। पाव मतलब ये देख, ये बंद रहता है ना अपने यहाँ पे बंद, उसको यहाँ पे पाव बोलते हैं। और ये देख, ये भाजी है ना जो सब्जी, ये तो सब्जी। हाँ, अरे सब्जी को इधर ऐसा क्या करते हैं, ये सब पीस के ना उसको इधर भाजी बोलते हैं लोकल भाषा में। कुछ भी कहो पाव, इतना बढ़िया बनाते हैं ना भाजी। अरे यार नहीं, पाव भाजी, पाव भाई, पाव भाजी। देख अभी रास्ते में तुझे क्या क्या दिखाता हूँ मैं, चल। सुबह सुबह मुंबई का अपना ही अलग मजा है। वो क्या है? वो दूरदर्शन है, दूरदर्शन। ये अपना घर कितना दूर है भैया? अरे ज्यादा दूर नहीं है यार, 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ।
सुबह शर्म भी नहीं आती। ए, क्या देख रहा तू? नहीं कुछ नहीं, सीधा देख। मुंबई में रहना है ना तो नाक की सीध में देखने का, इधर उधर नहीं देखने का। पता नहीं कब कौन कहाँ मिल जाए। फिर देख रहा तू? नहीं नहीं। पहले बढ़िया सी चाय पियेंगे। क्या हुआ? नहीं आप काम कर रही है, मैं ही रुकता हूं। कौन सा काम? नहीं मैं सोच रहा था पहले भैया भाभी और पिंकी से मिल लेता हूँ फिर चलते हैं। अरे भैया भाभी और पिंकी से मिलेंगे, यहीं रहते हम लोग। यहाँ रहते हम लोग। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तुझे लग रहा था भैया जाते ताज होटल में रुकवाएंगे है ना? नहीं 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 बढ़िया है भैया, बढ़िया नहीं है बहुत बढ़िया है। अभी कुछ दिन रहेगा तेरे को पता चलेगा मुंबई चीज क्या है। अजून एक चाह देना गो। ओ काय ओ दोनी वेळा चाह झाला, सारखा सारखा काय चाह देणार तुम्हाला? अल्लाह क्या आंटी, सॉरी सॉरी माहिती नव्हतं मला। अरे कोई बात नहीं मौसी, कोई बात नहीं। हाँ माझा भाऊ आहे। नमस्ते। हाँ अभी गाँव से आयला है। कोई बात नहीं मौसी चला। क्या है टेंशन क्यों ले रहा है? पानी और कौवे का टट्टी गिरना एकदम गुड लक होता है जी भैया, समझा? यहाँ रहते हम सब लोग। आपको मराठी आ गई? अरे मराठी क्या, मुझे तो गुजराती भी आ गई। तू रहेगा ना तुझे भी आ जाएगी। आजा आजा, सामान भारी तो नहीं है? नहीं नहीं। क्या अंकल गया नहीं क्या? अरे ट्राई कर रहा हूँ। अरे थूक लगा के डालो जाता है। अरे कब तक घर में बैठा बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा, कोई काम काज ढूंढ ले। पर नहीं, आजा आजा बैठा बैठा बस अखबार ही पढ़ता रहता। श्याम बेटा। हाँ आंटी। ये मेहमान है क्या? अरे नहीं मेरा भाई है आंटी, गांव से आया। नमस्ते। यहाँ क्या कम थे जो और चले आए? भाभी जी आ गया आपका देवर, कल से लगा रखा आपने देवर देवर। ए आना। कैसा है मोहन? प्रणाम भाभी। बस बस बस। अरे बस। अरे नहीं 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 इधर आ। चाचू है। चाचू याद है? नहीं है। याद है इसे। अम्मा कैसी है? अम्मा ठीक है। भैया कहाँ हैं? अरे होंगे कहीं, भाषण दे रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे बड़ी बड़ी कहीं। प्रणाम भैया। गुजरो गुजरो। वो भाई साहब ट्रेन में सो गया था, पूरी ट्रेन में ढूंढता रहा इसे, बच्चा ही रहेगा हमेशा। हाँ, तुम बहुत बड़े हो गए हो, भाषण देते रहते हैं हम। सॉरी भैया ऐसे ही बस। हम तो ऐसे काम नहीं। ठीक है चलो आजा। बेटा उसका बुरा मत मानना, वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। हाँ माँ ठीक है? अम्मा अच्छी है, अचार भेजा है। अरे वाह आम का अचार है ना? आम का है, आम का है। क्या बात है। ओ कुछ 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 कुछ। भैया इसका नाम रखा है अभी तक कि नहीं? वैसे भैया जी मोहन के काम की कहाँ बात चलाई है आपने? वो टक्सा से कंपनी है उसमें। अच्छा क्या बेचती है वो कंपनी? औरतों की कच्ची बनियान बेचती है। औरतों की कच्ची बनियान। इस मास में कौन सी बात है? सॉरी काम काम होता है। तुम क्या बेचते हो? नहीं हूं क्या, तुम क्या बेचते हो? जी गुब्बारा। गुब्बारा नहीं कॉन्डोम। बोलो कॉन्डोम, बोलो कॉन्डोम। हाँ खाना खाओ चुपचाप। जी खाना खाओ ना चुपचाप। है रोम झाड़ो उस पे पानी। इसे ले लो, शाम को ले लो। गोभी लेंगे? नहीं नहीं अचार ले लो। मुझे नहीं खाना।
अरे खा लो, माँ ने भेजा है। मेरा गला ठीक नहीं है भैया। मैं सोच रहा था आप लोग रहते कैसे इतने छोटे मकान में। बेटा क्या बोल रहा तू, छोटा सा घर? नहीं मतलब इतने लोग। तुझे पता है तू कहाँ है, पता है कुछ? मुंबई। हाँ मुंबई, ये मुंबई है। यहाँ मरने के बाद आदमी को दो गज जमीन नहीं मिलती, यहाँ सब कुछ मिलता है, गाड़ी, एसी, दुनिया की हर चीज, रहने को घर नहीं मिलता जी। समझा? जी समझा। क्या घंटा समझा? इस घर में कोई कुछ नहीं समझ। सॉरी भाई साहब। अरे सकरम तेरी माँ का। चुप नहीं रह सकता तू, बासी रह तेरे मुंह में। पढ़ 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 मुझसे निकल गया, सॉरी। भैया तो बहुत गुस्सा करने लग गए। अरे भाई साहब तो सटिया आ गए हैं, छोड़ना है उनको। ये देख जब घर की लाइट चली जाएगी ना सीधा यहीं आना, एकदम से खुला मस्त, सब लोग यहीं सोते हैं। क्या है ना पास में ना समंदर है, उसकी हवा आती है एकदम ठंडी ठंडी। पर ये ट्रैफिक परेशान नहीं करता? अरे ये ट्रैफिक क्या परेशान करेगा, इसकी जो आवाज़ है ना उसी से नींद आती है। जिस दिन ये आवाज़ बंद हो गई ना या किसी को नींद नहीं आएगी। ओ श्याम भाओ, कैसे गए? आजा अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। हे क्या रे तुम लोग? और भाओ क्या हाल है भाई, ये नया कौन है साथ में? अरे ये मेरा भाई है, गांव से आया। अरे श्याम भाई मार्केट में कोई बड़ा गुब्बारा है क्या? क्या गुब्बारा गुब्बारा बोल रहे हो यार, मेरे छोटे भाई के सामने कुछ तो शर्म करो यार। अरे बोले तो धंधा है ना आपका। अरे ठीक है धंधा है लेकिन छोटा भाई है। अरे तुम्हारे जैसा शाना नहीं है ना ये नया। अरे हमारे साथ रहेगा तो सब सीख जाएगा। भगवान ना करे मेरा भाई तुम लोगों के साथ रहे। ए, जा जा जा, नहीं तो कोई दूसरा घुसेगा। हाँ। अरे भाई जल्दी करो, अरे कितना टाइम लोगे? हाँ माँ। नहीं वो नहा रहे थे ना। हाँ सब ठीक। वो पराठा खा ठंडा हो जाएगा। खा रहा हूँ। चाय पी। मोहन जल्दी करो देर हो रही है। भैया चलो। नहीं नहीं तुम खाओ हम जा रहे हैं। हाँ जा बचा मोहन, चलो भाई। सुनिए सुनिए, दोपहर के खाने पर आएंगे ना? अरे हाँ एक दो क्लाइंट है, दोपहर तक आ जाएंगे हम उन्हें निपटा के। चलो बेटा बैठो। गुड वेरी नाइस गुड। क्रेडेंशियल्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। तुम्हें मालूम है हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर प्रॉब्लम कैसी, काम तो काम है और ये सब तो किसी भी आदमी की बेसिक नीड्स हैं। सर मैं तो मानता हूँ आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, ये तो उपकार है समाज पे सर। चापलूसी अच्छी कर लेते हो सर, काम भी तो सेल्स का है। कंग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। कल से 9:30 शार्प जॉइन द ऑफिस सर। बिल्कुल 9:30 शार्प सर। यू मे लीव नाउ। Thank you.
हेलो हेलो कौन करीना जी बोल रही है हाँ करीना जी बोल रही हूँ करीना जी मैं मोहन बोल रहा हूँ मोहन मैं कुछ ही दिन पहले बॉम्बे आया हूँ हाँ बोल मोहन क्या प्रॉब्लम है तेरे को नहीं प्रॉब्लम नहीं वो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ए जल्दी बोल नहीं तो मैं फोन ठोकती हूँ नहीं 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 मिलना था बस आपसे एक बार क्यों आप चाहिए मेरा मतलब आपसे मिलना मिलने का मन है करीना जी मुझे लगता है मैं आपको चाहने लगा हूँ तुझा इला तुझा तो एक कुत्रिया कुटुन आप कपूर वाली करीना बोल रही ना मैं मुंबई की पुलिस कांस्टेबल करीना पाटिल बोलती है बोर्ड ओके गाड़ी करा भैया हाँ कैसा रहा इंटरव्यू भैया एक गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई मेरी नौकरी लग गई अरे वाह क्या बात है बहुत अच्छी खबर है भैया तो मजा कर रहा है खूब तरक्की करो ये तो बड़ी कमाल की न्यूज़ सुना दी तुमने श्याम भैया कहाँ है आहा मोहन को नौकरी मिल गई आजा 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 गले लग जा आजा मेरे भाई तू बहुत लकी है मुंबई में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है तो लीजिए मिठाई फिर हाँ जरूर 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 तू भी खा आजा पिंकू आजा आजा एक बात बताओ तुम जो दोपहर में कह रही थी हमसे तो बात कर लो नौकरी तो लगी गई है मोहन मोहन वो जी जी सुशीला जी का फोन आया था आज हमारे पास सुशीला जी कौन वो एक है हमारी जानकार है तो वो उनकी एक बेटी है बहुत सुंदर है बहुत सुशील है तो तुम्हारे भैया और हम सोच रहे थे कि क्यों ना नहीं 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 अरे कोई जल्दी नहीं है जब तेरा मन करेगा तब करेंगे हाँ हाँ कोई जल्दबाजी नहीं है भैया मैं क्या बोलूँ इसमें आप लोगों को जैसा सही लगे अरे ये तो तुरंत ही तैयार हो गया अरे नहीं भैया Sam, just told on a scene, I tell you. What we can do is we can give four hooks to give a proper grip. What say? Sir, वो सब मैं कर लूँगा. दो मिनट में आता हूँ, हाँ? Sorry. ठीक है. Hi. Good morning, sir. Hi, I am Sam. I know, sir. Rita ma'am ने बताया आप ही के साथ काम करना है. साथ नहीं बेटा, under. जी. और वो जो आपकी रीटा मैम है ना, जी. उनके साथ बात करना बंद. मतलब सर? मतलब यहाँ जो कुछ चल रहा था ना, वो सब बंद. समझा? वैसे मोहन अपने बारे में कुछ बताओ शादी वादी हो गई तुम्हारी सर शादी तो नहीं हुई अभी हाँ वो भी सही है मुंबई में शादी करने की जरूरत भी क्या है जी जो भी मजे लेने हैं शादी से पहले ही ले लो अब तुम्हारी उम्र है इसलिए बता रहा हूँ क्यों जस्सी बाजी सही कह रहे हैं सर ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता जल्दी या सैम इसको भी तुम्हारे साथ ले जाओ कभी कभी हाँ सर इसका तो आज ही कुछ करता हूँ आ गए अरे भाई जन्नत में चल चल उतर क्या छोटू ये रख और चकाचक कर अबे चल क्या देख रहा है भाई लाइट चल रहा है टेंशन क्यों लेती है तेरा ना देना तेरा हाय क्या सलमान जाने दो ऊपर आजा ए सैम जूली में क्या रखा है चल मेरे साथ खुद की तरफ देख एक बार वैसे पीछे से अच्छी लगती है जूली में जो बात है वो किसी में नहीं रही चल चल आजा आजा
क्या गाड़ी में दाम दो? अभी क्या पाउडर की दुकान? मेरा पैसा याद से निकाल लिया। हाँ। ले आ गया ये। क्या साला इतनी देर से वेट करा रहा है? अरे दुनिया में बाकी भी तो काम होते हैं ना। चल चल तो रहने दे। अच्छा अबे क्या दिख रहा है? ये नहीं है तेरे वाली, ये अपनी है। ये जूली और ये अपना झुमरू। हाय। इसको आज झुमरू तलैया दिखाना है। अच्छा। कहाँ पर है शब्बू? अंदर है। क्या आप लोग नहीं आएंगे? अरे जाना, हम क्या करेंगे आके तेरे साथ? अंदर क्या पूजा है जो सब लोग एक साथ करें? चल जा। अच्छा जूली, तू क्या बालकनी दिखाएगी कि और भी कुछ दिखाएगी? कौन है? सॉरी। नकली क्या देख रहा है? असली देख। चल कपड़े उतार और टोपी पहन। टोपी अबे साले ये टोपी नहीं, टोपी कॉन्डम किधर है? कौन था वो? एक 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 मिनट। क्या पहन? मुझे नहीं आता। सुबह से ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, कोई भी आ रहा है। ये पैकेट आप ही रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सुन अगली बार पॉन वॉन देख के आना, कुछ पढ़ के आना, समझा? ऐसे ही मत चले आना वो उठा के। चल निकल साला। परसों चलते हैं फिर देखने। लो आ गए मोहन साहब। जी भाई। क्या मोहन जी भैया, कहाँ रहते हो भाई है? इतनी देर कर दी? काम था तो। नहीं, काम आम तो ठीक है, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखा करो जी। बंबई शहर है, हैं? आओ जी। अरे कुर्सी लेकर इधर आओ, बात करनी है कुछ। आओ आओ आओ, आओ जल्दी आओ। हाँ जी बैठो, बताओ। फोन आया था सुशीला जी का, उस दिन बताया था ना मैंने तुम्हें। कौन?
अरे जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगी थी तब अच्छा, तुम्हारी भाभी ने बोला था ना वही 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 तो फोटो भिजवाई है उन्होंने अपनी बेटी की फोटो दिखाएं फोटो के आप लोगों ने देख लिया है चलो अच्छी बात है हमने देख लिया तो हम बात भी पक्की कराएंगे देख लेता हूँ आप लोग लाए तो देखोगे मतलब आप चलो दिखाई देते हैं अब जब तुम इतना बोल रहे हो तो लो देखो अरे दिखा अरे देखो ना देख लो लाइट भी आ रही कितनी शुभ लड़की है भाई पानी भी पीना मैं आता हूँ अच्छा ऐसा है सुशीला जी से बात कर लेते अबे साले क्या हो रहा है क्या हुआ क्या कर रहा था क्या हुआ ये फोटो किसकी है अरे ये बता ना क्या हो रहा था क्या 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 अरे बता ना अरे 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 बहुत लौंडिया घुमा रहा है साले दाढ़ी तेरी आई नहीं और लड़की घुमाता है बहुत बड़ा ए हीरो ए इधर आ चल निकल इधर 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 आ जल्दी ए आ ना अरे जल्दी आ क्या यार तूने बताया नहीं कल तू किसका फोटो देख रहा था बोलेगा कुछ अरे क्या हो गया अरे बता ना कौन थी रे अरे बोलना कौन थी यार अरे सोच क्या रहा इतना अच्छा वो सब छोड़ तेरे को पता है कल तेरे जाने के बाद हम लोग ने क्या शो देखा है बॉस डैडी पिक्चर का शो वो भी लाइव अरे क्या बॉडी थी यार और मैं ऐसी जगह पे फील्डिंग लगाया था ना तू सोच भी नहीं सकता दोस्त गजब अरे तू कहाँ भाग जाता है यार रुकना चाहिए ना अरे भाभी 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 यही है यही है ओए होए क्या चाल है अरे तुझे नहीं देखा मुझे देखा है आप बताऊं यार क्या मानता है कि नहीं क्या भाई मजा आया चीज है यार और ही देखेगा क्या बोल आज रात को आज रात को फुल टू एंजॉय करेंगे मास्ट अरे क्या हो गया ये कैसा शहर दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोगों के पास सोने तक के लिए जगह नहीं
चारों तरफ लोग बिखरे पड़े। ये लोग कैसे नंगी जिंदगी बसर करते हैं? इस चारपाई पे बीवी लेटी हुई है तो बराबर में दूसरा भाई सो रहा है। सैकड़ों आंखें सैकड़ों कान हमेशा खुले हुए, ना चाहते हुए भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बन के आपके सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है, पांव फटती है, रोशनी होती है और सारी शर्म बेपर्दा हो जाती है। क्या ख्यालों में किधर, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। चल निकलना नहीं है क्या, उसके बारे में सोच रहा है क्या? हाँ नहीं नहीं। फोटो तो दिखा मुझे लड़की का, तूने फोटो ही नहीं दिखाया। हाँ अरे लड़की मिल गई, दोस्त को भूल गया यार, दिखा। सैम भाई बात करनी है आपसे। बोलना। अभी एक कमरा है, सात लोग हैं, भैया भाभी छोटे भैया छोटी भाभी पिंकी मुन्ना मैं, वो और आ जाएगी। कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? हाँ सोने के बारे में सोच रहा है, पहले शादी तो कर ले। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सैम भाई, सीरियस हूँ। सोच रहा हूँ एक कमरा ले लूँ, शादी टालता हूँ अभी, एक कमरा ले लेता हूँ फिर कर लूँगा, प्राइवेसी हो जाएगी। अरे तो मिल जाएगा, तेरी जेब कितनी गर्म है? मतलब? मतलब रोकड़ा कितना है तेरे पास? कितना चाहिए? देख डिपॉजिट का 50,000, दो महीने का ब्रोकरेज 20,000 और एक महीने का रेंट, मतलब 80,000। क्या मजाक कर रहे हैं, इतना नहीं है मेरे पास। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कम बोल रहा हूँ। कम है? हाँ देख मोहन, मैं तेरा टेंशन समझ सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ, एडजस्ट करना सीख ले मेरे भाई। चल निकलते, चल चलना। नहीं आप चलिए, मैं बंद करके आता हूँ। ठीक है कल मिलते। समझ गया तेरी क्या प्रॉब्लम है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, एक कमरा किराए पर ले लूं। हाँ। एक ही घर में भैया भाभी के साथ में। जी बिल्कुल। वो सब हाँ। कैसे करेंगे? कैसे? तो लेकिन क्या ना, ये मुंबई है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। तो मेरी बात समझ रहा है ना? जी। और ये जो घर की दीवारें और पर्दे हैं ये क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। और देख बड़ों के लिए जो इज्जत होती है ना, शर्म। अच्छा बता कहाँ होती है वो? जी शर्म कहाँ होती है बड़ों के लिए? दिल में। हाँ आँख में होती है। आँख। मेरी बात समझ रहे हैं ना तू? जी। तो बिल्कुल मत सोच, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तू क्यों चिंता कर रहा है ये सब? तो रात को सोते समय योगा किया कर, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत पावरफुल होता है। हाँ सबसे कहूँगा मैं तेरे को।
देखते देखते पता ही नहीं चला कब दिन गुजर गए और मेरी शादी भी हो गई। अब वो रात आ चुकी थी जो लाइफ में सिर्फ एक बार आती, मेरा मतलब ऑफिशियली, जिसका इंतज़ार हर मर्द हर औरत को होता है। मैं दुनिया का शायद पहला मर्द हूँगा जो अपनी ही सुहागरात से डरा हुआ था। जी, यहाँ अक्सर लाइट जाती है। जाती तो है, पर ठीक हो जाएगा कुछ दिन में सब कुछ। तुम्हें लग रहा होगा कि अपना घर छोड़ के किसी पराए घर में अजीब लग रहा होगा ना? असल में अजीब तो मुझे भी लगता है। सोची ना, एक ही महीना हुआ है आए हुए और उसी में नौकरी लग गई, शादी हो गई। पता ही है, बड़े भैया बता रहे थे कि अच्छे अच्छे लोगों की 6-6 महीने तक नौकरी नहीं लगती है यहाँ पे, और हमारी एक ही महीने में लग गई। ऐसे लगता है अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है। भैया, श्याम भैया, मैं, हम लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे। बहुत बड़े बड़े मैदान है ना वहाँ पे, मुंबई की तरह नहीं, थोड़ा जगह का वहाँ है। श्याम भैया बहुत अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, अजहरुद्दीन की तरह बैटिंग है उनकी, बिल्कुल बहुत धाकड़ मारते हैं। भैया तो पिंकी छोटी सी थी तभी मुंबई आ गए थे। श्याम भैया उनके 6 साल बाद आए होंगे। हाँ 6 साल बाद मुंबई में उनकी शादी यहीं हुई, जैसे हम लोग की हुई। अम्मा बस रह गई हैं वहाँ पे, अम्मा को आ जाना चाहिए, भैया बहुत बुलाते भी हैं वहाँ। ऐसे लगता है कैसे रहेगी वो अकेले। माँ को भी बहुत बार बोला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मानती नहीं जी। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सॉरी, मैं कितना बड़ा गधा हूँ तुम्हें। एक मिनट, एक मिनट। ये पहन लो, तुम्हारे लिए लाया था, हल्का है, इसमें बहुत गर्मी लग रही होगी ना। बाथरूम उधर। मैं चलूं? नहीं।
चाय बना रही हो? जी। रात किसी कटी? हाँ अच्छा मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम्हारा कोई कपड़ा है तो दे दो, धो दूंगी। नहीं, मुझे लगा कि चादर गंदी हो गई होगी, है ना? अब पार्टी दो। ठीक। अरे भाई, गुड मॉर्निंग, महफिल को जमी हुई है? कुछ नहीं सर, बस इससे ये पूछ रहे हैं कि इसकी सुहागरात कैसी रही। अरे हाँ मोहन, कैसी रही सुहागरात? कहीं मेरे नाम पर बटा तो नहीं लगा दिया? नहीं नहीं सर। नहीं? अरे देख, कोई गड़बड़ है तो बता दे। सही कहता हूँ, एक से एक बड़ा नुस्खा है मेरे पास, ऐसे ऐसे केसेस भी संभाले कि। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो अगले दिन ही काम पे आ गया, आज नहीं आना चाहिए था तुझे। तू एक काम कर, हाफ डे दे और निकल। नहीं नहीं सर, मैं निपटा लूंगा तेरा काम, चल निकल, चल चल। नहीं, चल नहीं सर, मुझे अरे जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बीवी घर पे इंतजार कर रही है, पता है। तुम पेट पे लात मार रहे हो, मुझे फाइल्स देनी है, ऐसे मत करो। अरे कढ़ाई गरम है, ठंडा हो जाएगा, जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, ठीक है चलो, लेट्स गेट बैक टू वर्क गाइस, काम बहुत है। अरे आजा, मेरी फाइल लेके आना जरा केबिन के अंदर। क्या हुआ वो तो बता चाची। फ्रिज में सामान रख देना जितना भी है सारा, ताकि अच्छे से ठंडा रहेगा सामान, है ना? भाभी, इस प्रॉब्लम का कभी कुछ होगा कि नहीं? हाँ, ओ। कहाँ है बाकी सब? सब छत पर है, भैया भी बस आ ही रहे हैं। चाची। देखो चाचा है, चाचा। मम्मी, मम्मी, चाची ने आपको टेरेस में बुलाया है। अच्छा तो तुम चलो, हम आते, जाओ जाओ, चले छत पर, चली चलो, हम आते, ठीक है? चलो मोहन, भैया आए तो जरा उनको छत पर भेज देना। हूँ, चलो चलो। दो मिनट। अरे मोहन, आज तेल लगवा ले। आप लगाइए। गुड मॉर्निंग सर। हग रहा था साथ में? हाँ नहीं मतलब, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, आप कुछ भी करें, मैं पेशाब भी ना करूं? नहीं करे करे क्यों नहीं, पेशाब तो कर ही सकते हैं, सब करते हैं। बेशर्मी की हद होती है सैम भाई, जिसे जिसे देखो जहां मन करता है शुरू हो जाता है। आप ऐसा लगता है यहाँ मुंबई में चुम्मा चाटी का मेला लगा। अरे सरे, हम ये सब करना शोभा थोड़ी देता है। तूने वो कहावत नहीं सुनी है? अब कौन सी कहावत? सुन, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, ये मुंबई है मेरे दोस्त, यह किस्मत वालों को भी मकान नहीं मिलता। वाह। रुको। चुप, भैया सुन गई।
ओ श्याम श्याम बेटा रुको हम मोहन को बुलाते हैं क्या है? मोहन जी भाभी जरा यहाँ आओगे जी आया जी भाभी अरे बेटा मोहन जरा इनकी जरा नस पैर नस में चढ़ नस चढ़ गई है हाँ दिखाइए ना शाम को बुला रहे थे शायद सो गया कोई बात नहीं कहाँ धीरे से आराम से आप बताइएगा कहाँ दर्द हो रहा है बस रिलैक्स कीजिए बस मिल रहा है आराम मिल रहा है अरे वो ऑफिस की लिफ्ट खराब थी ना 6 फ्लोर चढ़ के गए तो अच्छा जाओ बेटा सो जाओ जा जा हाँ, सो जा मुँह चा गई थी हेलो हाँ शुक्ला जी बोलिए नहीं ठीक है बताइए बताइए नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात बोलिए क्यों आज ही दिए शुक्ला जी आज ही मुझे सैम भाई ने 3 फाइल दी हैं मैंने तीनों फॉरवर्ड करी रीटा से पूछ लीजिए चलिए कोई बात नहीं नहीं तो कल मैं सैम भाई और आप मिलके फिर तुलानी जी से बात करेंगे ठीक है चलिए नहीं कोई बात नहीं ठीक है ओके गुड नाइट कब सुधरेगा ये बेशरम कहीं का तमाशा बना के रखा है हमारा पता नहीं पीछे हटिए जानू जी हटिए जबरदस्ती मत कीजिए मैं बहुत गुस्सा हूँ जाइए जाके ऊपर मैंने क्या किया बताओ ना कुछ किया क्या कुछ नहीं किया जाके दूसरों की औरतों को जाके हट गया पागल हो गया मैं अपनी औरत से मैं अपनी औरत के अलावा किसी औरत को नहीं देखता मना मत करना मेरा बहुत मन कर रहा है तुम तो मेरे से भी ज्यादा योगा जानती हो जानू जी मार मत देना जी Thank you.
वही कर रही हूँ। जी ऑफिस की कहाँ है? मरा मैं लगता है वही छोड़ दी है भगवान। शालिनी हम जरा बाजार तक जा रहे हैं, तो मुन्ने का ख्याल रख लेना। हाँ चलो आते आते। तुमने खा? तुम गुस्सा हो? अरे मोहन। हाँ गए नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे पैसे ही ले जाना भूल गए, बताओ बाजार जा रहे हैं और पैसे ही नहीं ले गए। How's married life? पवन कैसा है? बहुत अच्छी, पवन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पवन की फैमिली इतनी बड़ी है कि जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों पहले की तरह खुल के बात भी नहीं कर पाए हैं। बट नाउ पवन ने गोवा के लिए हॉलीडे प्लान किया है, मुझे 3 दिन की छुट्टी भी मिली है, शायद वहां हम कुछ वक्त साथ बिता पाए। जी हाँ सर, हनीमून पैकेज हमारी स्पेशलिटी है, गोवा का सबसे बेस्ट होटल और टिकट्स भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। आई कैन अश्योर यू सर, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट हॉलीडे होगा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। जी माँ प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। काम नहीं कह रही थी। तूने फोन नहीं उठाया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी माँ सब ठीक है। तू घर पे सबका ध्यान तो रखती है ना बेटा? और खाना टाइम पे खाती है कि नहीं खाती है? जी ध्यान रखती हूँ, खाना भी टाइम पे खाती हूँ। तू खुश तो है ना बेटा? जी। पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, तुझे ना बहुत याद करते हैं। कल की बात है, अचानक तेरे स्कूल की पुरानी चीजें देखते देखते ना उदास हो गए, पर फिर कहने लगे कि बेटी अपने ससुराल में खुश है, इस बात का संतोष है उन्हें। जी मम्मी वो कुछ बात करनी थी। बोलना, कोई परेशानी है क्या? नहीं परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो मोहन जी के बारे में बात करनी थी। दामाद जी ठीक तो है ना? कैसे हैं वो? वो अच्छे हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं और बहुत सीधे हैं, शर्मीले भी। वो माँ बात ये थी कि बोलना बेटा क्या बात है?
मुझे मानते तो है लेकिन वो कभी बात मैं अपनी तरफ से माँ मैं आपको कैसे बताऊं वो माँ हम एक बार भी पास नहीं आए शालिनी मैंने जो बताया था तूने वो किया ना जी लेकिन मैंने एक दो बार कोशिश की थी घर में बहुत सारे लोग हैं ना और हम दोनों को समय भी नहीं मिलता साथ में तो वो और जब कभी मिलता भी है तो वो पास नहीं आते पता नहीं आना नहीं चाहते या कोई और वजह है अच्छा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ बाबूजी आप बता देते मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता प्रणाम आप लोग जा रहे हैं कहीं क्या हुआ बाबूजी क्या हुआ शालिनी गुस्से में क्यों लग रहे हैं बाबूजी 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 बात तो सुनिए हुआ क्या है शालिनी अच्छा बताओ तुम्हें भाभी ने कुछ कहा क्या बताओ ना शशि भाभी ने बाबूजी मेरी बात तो सुनिए एक बार दो मिनट तो रुकिए बाबूजी मैं हम बात कर लेते हैं बाबूजी बताइए तो हुआ क्या है शालिनी शालिनी रुको दो मिनट भाभी ने कुछ कहा भैया ने कुछ बोला क्या मेरी बात तो सुनिए एक बार क्या हुआ ये शालिनी के बाबूजी ऐसे क्यों निकले भाभी बताइए ना हुआ क्या है लड़ाई हुई है क्या हाँ किसी ने कुछ बोला क्या शालिनी को अरे भाई कोई बताएगा हुआ क्या है कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है हम बताते हैं क्या हुआ है अपनी औरत संभाली नहीं जाती और घर की औरतों पर रोज झाड़ता है आप रुकिए देखिए मैं बात करने बात करने दो इससे लेकिन भैया मैंने किया क्या है अरे कुछ किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती खानदान की नाक कटवा के रख दी तुमने नाला शांत हो जाइए आप इधर आओ ये हमारे दादाजी 52 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी की सब लोग कहते रहे कि ये शादी की उम्र नहीं है बीवी को सुखी नहीं रख पाएंगे लेकिन नहीं पूरा गांव जानता है कि हमारी दादी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई अरे पहली शादी से 5 बच्चे पैदा किए और दूसरी से 4 ये तो अच्छा हुआ कि बाऊजी जिंदा नहीं है आज नहीं तो तुम्हारी हालत देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग नहीं रहते थे साथ साथ लोग एक रूम में मोहन भैया प्लीज मुझे आदत नहीं है ऐसे माहौल की रहने दीजिए ना भैया जी वैसे भी आजकल तो फैशन है 3-4 भाइयों में एक आधा भाई तो ऐसा निकल ही आता है शशि तो क्या चाहती हैं मैं बेशरम बन जाऊं हां तो तुम्हें क्या लगता है हम बेशरम हैं तुम्हारा यह भाई बेशरम है तुम्हारी भाभी बेशरम आप लोगों का नहीं पता पर मैं नहीं हूं नामर्द भी उधेड़ती होती तो मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना वो शब्द सुनने के बाद हूं नामर्द वो शब्द जिसे सुनने से पहले दुनिया का कोई भी मर जाएगा कि या तो उसे जमीन निकल जाए या आसमां खा जाए ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों की भीड़ में अकेला खड़ा नंगा हर आंख सिर्फ मुझे घूर रही और हर चेहरा सिर्फ मुझ पर हंस रहा है मेरा कसूर ना होते हुए भी सारा कसूर मेरा था
वो तस्वीर जो मैंने बनाई थी मेरे आंखों के सामने टूटती जा रही थी। अब बात मेरी पहचान पे आ गई थी। चलो खाना खाएं। खाने ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चलो तुम जानते हो मोहन, शालिनी ने अपनी मां से यह कहा कि 15 दिन हो चुके हैं शादी को, पर तुमने अभी तक अपना पति धर्म नहीं निभाया। यही बात कहने आज उसके पिताजी घर आए थे, और जानते हो कितना अपमानित करके गए हैं वो तुम्हारे बड़े भैया को। आज तक मैंने तुम्हारे बड़े भैया की आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा, लेकिन आज बेचारे सर झुकाए शर्मिंदा होके खड़े थे बिना एक शब्द कहे। तुम भी जानते हो किस तरह वो मुंबई आए थे एक छोटी सी बात पर लड़ाई करके, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। आज जो भी है अपने बलबूते पे है मेहनत करके। तुमने आज सब मिट्टी में मिला दिया मोहन, सब। कितना अपमानित होना पड़ा हमें सबके सामने। आप जानती हैं घर का माहौल, एक महीना हुए नहीं है मुझे आए हुए, मुझे आदत नहीं है भाभी इन सब चीज की, और हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो या क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है हमारी इस पूरे मोहल्ले में, मजाक बनाकर रखती है हमारा। चलो अब खाना खा लो। मोहन ठीक है, जो मर्सी में आए करो। मोहन, अरे बैठो बैठो बैठो, तुम्हारा हाथ तो दिखाओ। क्या हाथ है, सुपर्ब यार, भाग्य तो बहुत अच्छा है, इसका बृहस्पति भी ऊंचा है। वाह फैंटास्टिक। ओयो क्या बस, इसका शुक्र तो बिल्कुल कमजोर है। शुक्र ग्रह सर, शुक्र यानी सेक्स लाइफ, वेरी बैड। स्त्री शक्ति तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी। वैसे सुना है तुम्हारी बीवी हॉलीडे पे गई है, सही है? चलो चलो बहुत काम है, लॉन्ड्री कंपनी है, बिजनेस डील साइन करनी है। रमेश कड़क चाय लेके आ केबिन में। देख मोहन पानी आ गया। अरे यार मैं लेकर आया हूँ, तू क्यों आंखों से निकाल रहे हैं? चल अभी पीते हैं, चल चल। इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा था, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा।
आपसे भी बोला था ना पहले कि गड़बड़ होगी, हो गई ना गड़बड़। देख मोहन, मुझे एक बात बता, तू गे है, तू डरता है, तू उससे प्यार करता है तो फिर तू चुती है, उससे प्यार करता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं खासा हूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं कभी, मुझे लगा वो खुद ब खुद समझ जाएगी सब कुछ। क्यों समझ जाएगी? अरे यार ठीक है, मुझे बता तू उसे चाहता है ना? सैम भाई चाहता हूँ, आदत पड़ गई उसकी, वो उसका सुबह सुबह मुझे टिफिन देना, जब मैं वापस जाता हूँ तो कैसे इंतजार कर रही होती है, मगर कितना मासूम चेहरा है उसका सैम भाई, कितना पता है जब वो सोती है ना तो इतना सुख। क्या सैम भाई? सैम भाई अब मेरा छोड़ तो बोल। नहीं मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि मैं उसे सिर्फ देखता रहता हूँ, सिर्फ देखता रहता हूँ, उसका चेहरा इतना प्यारा है। अरे शादी हो गई तब से देख ही रहा था, उठाया क्यों नहीं उसे? उठाने का मन नहीं करता सैम भाई, वो भी सच है यार, ऐसा लगता है नींद से क्यों जगाऊ। नहीं यार उठाने का, औरत ना बहुत टेढ़ी चीज होती है, उसे ऐसे टेढ़ा जाके सुधारना पड़ता है। मतलब देख, अगर तेरे ऑफिस में कोई लड़की है तो तेरी वाइफ शक करेगी, अगर तू बोलेगा नहीं अच्छे दोस्त है तो डबल शक करेगी, लेकिन अगर तू बोलेगा कि नहीं वही मेरे पीछे पीछे करती है तो उल्टा बोलेगी मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, अच्छा ही है, ऐसा होता है वो। इससे मेरी बात का क्या संबंध? नहीं मैं इतना ही बोलना चाह रहा था कि तू जाकर उससे समझा, बीवी है तेरी। अरे उसका बाप नहीं मिलने देता ना, चितकबरे की तरह आके खड़ा हो जाता आगे। अबे सात फेरे लिए शादी की है तूने, उसका बाप क्या है, उसके बाप के बाप का बाप भी तुझे नहीं रोक सकता है, तू जा उसे समझा, बता सब ठीक है, वो मान जाएगी। देख जाऊं क्या? जा जा जाता हूँ, आज इसको पुट्ठे को बताता हूँ मैं। अरे ए, अरे आज नहीं कल, कल या कल, इधर को बैठ, पिएगा कौन है पागल, पी पी, मुझे लगा यही फ्लाइट पकड़ के जाएगा। मिश्रा जी आ गए, लगता है मिश्रा जी ने अपने भाई का थोड़ा ज्यादा ही टेंशन ले लिया है। अरे साला तू बेवड़ा मार के आया क्या? हाँ पकिया भाई, अबे फुल मुंबई वाला बन गया मतलब तू? आप ले रहे हो क्या? आप ले रहे हो मेरी फिर से? मुझे पता नहीं रे, चल चल तू घर पे जा, नहीं तो तेरा भाई वापस देगा लाफा तेरे को। भाई लिया मेरा वो बाबूजी से ज्यादा है मेरे लिए। हाँ मालूम है, चल। मैं एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे? क्या? नहीं बोलना। आई स्वेर खाओ। हाँ आई स्वेर, हाँ बोल क्या। पूरा चौल भी अगर मेरे कुछ बोलता है ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पर भैया ने मेरे को जो बोला है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बकिया भाई, नहीं लग रहा है। अच्छा इसका टेंशन नहीं लेने का इतना रे? अरे वो तो भाई है मेरे, वो भी नहीं समझ रहे क्या प्रॉब्लम। मालूम है मेरे को, तू चल यार। आओ बताओ मैं कैसे करूं यार अपने भैया के सामने। अरे इतना सोच मत रे, तू टेंशन मत ले, कमरा है कबूतर खाना है। मालूम है मेरे को, मालूम है, चल। मैं नहीं हूं यार ऐसा। चल भाई तू चल, देख के वहां है, आ जा। शाबाश। अरे संभल के वेट। शाबाश, निकाल इसको, सो जा। मैं देखती हूँ। नमस्ते माँ जी। तुम? शालिनी को लेने आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखिए माँ जी गलतफहमी हो गई। आप गलतफहमी? छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हैं आप? बात का पतंगड़ तुम बना रहे हो।
तू चलेगा? बाबूजी एक बार शालिनी से मुझे बात करने दीजिए प्लीज। खाना निकल जा। बाबूजी एक बार प्लीज शालिनी से मिलने दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। जो जब करना चाहिए था वो नहीं किया, आप क्या करेगा उसे मिलके? चल निकल। देखिए आप मुझे मिलने से रोक नहीं सकते हैं, पत्नी है वो मेरी, साथ फेरे लिए मैंने उसके साथ। कह दिया ना नहीं आएगी। क्या अंकल कोई प्रॉब्लम है क्या? ए इनको बोल दूंगा ना हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे। निकल जा निकल। क्या हुआ? माँ जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार सिर्फ बात कर लीजिए एक बार। मैं क्या करूँ, कुछ कहने लायक तुमने छोड़ा भी है। ओए माँ जी क्या कर रहा है, हमसे बात कर, निकल यहाँ से। शालिनी एक बार बोल दिया ना नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी वो। शालिनी मैं बोल दिया ना। देखिए आप रोक नहीं सकते हैं मुझे, नहीं आएगी वो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं आएगी। शालिनी बाबूजी माँ आप लोग अंदर जाइए, मैं बात कर लूंगी। चलो घर चलो। अब आप भी चले जाइए यहां से, बहुत हो गया तमाशा। वही मैं भी बोल रहा हूं, बहुत तमाशा हो चुका है, मजाक बन के रह गया हूं सबके सामने। घर चलो। क्या करूंगी घर जाकर, इंतजार? कब मेरा पति घर आएगा, कब मुझे प्यार करेगा? अब और नहीं सहा जाता मुझसे, थक चुकी हूं मैं, घुटन होती है मुझे वहां पर, अकेलापन नहीं सह सकती मैं। उस घर में कैसे एक एक दिन मैंने निकाला ये मैं ही जानती हूँ, और तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। सच तो ये है कि तुम कुछ करने के लायक ही नहीं थे, और जब कुछ कर नहीं सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? She ain't coming back for you, my boy. Oh, I, itna samajh le tu, mera bhai. Oh, I, mana le chahe jitna, wo manegi nahi. Kahegi door se hi tujhko wo ta bhai, 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 bhai. Chaar din ka hi pyaar. झूठा नहीं सच्चा है यार, तू ना हो खफा मैं क्या करूं तू ही बता, जो हुई गलतियां मान ली मैंने मान ली, खुश नहीं रख सका वक्त की ऐसी चाल थी, जो हुई गलतियां मान ली मैंने मान ली, खुश नहीं रख सका वक्त की ऐसी चाल थी, समझो ना मजबूरियां अच्छी नहीं ये दूरियां। No she ain't coming back for you my boy, I लाख जतन कर तू मेरे भाई, चाहे जितना वो मानेगी नहीं, कहेगी दूर से ही तुझको वो तो भाई 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 भाई। छोटी मोटी ये बातें होती हैं प्यार में, बढ़ती है चाहत तकरार से, कई आरज़ूएं दिल में ही रह गई, रातें जुदाई में ही कट गई, समझो जरा मजबूरियां अच्छी नहीं ये दूरियां। No she ain't coming back for you my boy, I लाख जतन कर तू मेरे भाई, चाहे जितना वो मानेगी नहीं, कहेगी दूर से ही तुझको वो तो भाई 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 भाई।
जीत है मेरी ना तेरी हार है, अब ये लड़ाई बेकार है, साथ जीने मरने की जो खाई कसम, पूरी करेंगे सातों जन्म, समझो जरा मजबूरियां अच्छी नहीं ये दूरियां। No she can coming back for you my boy, इतना समझ ले तू मेरा भाई, ओ आई 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 मना ले चाहे जितना वो मानेगी नहीं, कहेगी दूर से तुझको वो तो भाई भाई भाई। सॉरी नहीं देता, कब से देख रही हूँ मैं सीधे नहीं खड़े रह सकते। बस में इतनी भीड़ हुई तो इसका मतलब ये कि लड़की को छेड़ना? हाँ आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैम आप देख रही हैं, आप क्या और आप क्या देख रहे हैं? इनका रोज क्या काम है, खाली भीड़ वाली बस देखिए और चल जाते हैं। मेरी बात आपके रेट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई ये बात तो है। क्या? अरे भाई ये नया लफड़ा क्या है? कहीं गुलचर्रे उड़ाने गया होगा, वही धुनाई होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ तक दिन अधिन तक दिन अधिन। हाँ तो वो कर लेंगे। मोहन ये क्या चोट कैसे आई? बताता हूँ। किससे लड़कर आए हो तुम? हाय राम कितना खून बह रहा है, बैठो। चार बातें ना और सुननी पड़ेंगी। शशि तुम जाओ जाके जरा दवाई ले आओ। कोई जरूरत नहीं है मरम पट्टी करने की, मारी इज्जत डुबो दी, इसे कह दो निकल जाए यहां से। अरे इसे एक मौका तो दीजिए, और हमारा मन नहीं मानता कि हमारा मोहन ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपने मन को समझाओ तुम, इसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा कायर और बुजदिल हमारा भाई नहीं हो सकता है। इसकी गलतियां छुपाने के लिए हमें लोगों से अपना मुंह छुपाना पड़ता है। बहुत हो गया रेणुका, अब इससे बोल दो कि चला जाए यहां से और अपनी शक्ल ना दिखाए। और कहां जाएगा? जानू मैं। पागल हो गया तू? भैया श्याम। भैया अरे अरे रोकिए, कोई जरूरत नहीं रोकने की। श्याम तुम रोको ना। प्लीज मैम प्लीज मारिएगा मत, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज सॉरी मैम। अबे तू पहचाना क्या? टोपी याद आया? क्या हो गया? तू चल मैं आती हूँ। अच्छा कहाँ से मार खा क्या है? क्या हुआ बता ना। चल मेरे साथ, मेरे साथ चल। देख बहुत ही सिंपल सी बात है, औरत को न ताज चाहिए न तख्त, उसको चाहिए सिर्फ उसका मर्द।
समझा? अरे सच है, भोंदू है क्या तू? इतनी सिंपल सी बात तेरे भेजे में नहीं घुसती। तुम साले मर्द लोगों की प्रॉब्लम क्या है? एक लड़की तुम लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है, तुम जैसे रहते हो वो वैसे रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन कभी तूने ये जानने की कोशिश की है कि बदले में वो तुझसे क्या चाहती है? हाँ, सिर्फ दो चीजें होती है, या तो प्यार या फिर हक। गया था प्यार से समझाने, थक के देके निकाल दिया बाहर। तो हक से लेके आ, अगर प्यार से नहीं मानी तो हक से मानेगी। एक औरत के लिए ना, उसका पति दिन भर चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन रात में उसको उसके पास चाहिए होता है, और वो उसकी जरूरत नहीं, उसका हक होता है। समझा? एक पति पत्नी का मिलन इस दुनिया का नियम है। और तू किससे शर्मा रहा है? इस नंगे शहर से? क्यों? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो तुझे छोड़ के चली जाए, उसको समझा, वापस लेके आ, हक से लेके आ, वो आएगी। अब मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती, जो भी करना है तुझे ही करना है। समझा ना फुद्दू? जैसा बताया गया वैसा कर। आता हूं 5 मिनट में, और संभाल के किसी की जान ना जाए। अबे जाना? हाँ। अबे ये कौन लेके जाएगा? सैम भाई कल आते हैं। मैं जाऊं? जा रहा हूं, जा रहा हूं। जाऊं? अबे जाना। नमस्ते माँ जी। शालिनी, शालिनी क्यों क्यों आया यहाँ पे? चलो,
उड़ा फुद्दू का जलवा बड़ा।
मूड बैड था ना लव रोमांस था, अरे खाना था पीना था हंसना था रोना था मीटिंग का नो चांस था, चक्कर चलाना पड़ा मैं तो हुशाना बड़ा पिंजरे से तोता उड़ा फुद्दू का जलवा बड़ा मैं पिंजरे से तोता उड़ा फुद्दू का जलवा बड़ा हकीकत दर्द में